बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बीफ पुलाव बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से और मज़े का। तो जिसके लिए मैंने 2 किलो बीफ लिया है और उसमें 1 खाने का चम्मच सिर्फ लहसुन जाएगा, वरना नॉर्मली हम पोटली बनाते हैं ना कि उसमें सूखा धनिया और लहसुन प्याज सब कुछ डाल के तो फिर उसको स्टीम देते हैं। आज हम सिर्फ लहसुन से इसको हम स्टीम देंगे और जल्दी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। स्टीम में आराम से इसको लहसुन को मिलाते हैं और जब तक ये गोश्त ना गल जाए जब तक हम इसकी स्टीम देते हैं, और जब ये स्टीम होके गल जाएगा ना गोश्त, तो फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आके, बाकी की चीज़ें आपको बाद में बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त गल चुका है, इसकी यखनी और इसकी बोटियाँ जो है ना वो अलहदा कर लेते हैं। माशाल्लाह, ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये मसाला पीसने के लिए मैं मशीन में पीसने जा रही हूँ। तो 2 बड़ी इलायची है इसमें, थोड़ी सी जावित्री यानी कि 1/4 टीस्पून के करीब, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सूखा धनिया, और ये हम मसाले नहीं पीसेंगे, जिसमें तेज़पत्ता 3 अदर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, और इसी तरह 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े। यह पीसने में नहीं जाएगा और ये पीसने में जाएगा, मैं पीस के लेकर आती हूँ, ठीक है। 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज है, उनको मैंने फ्राई कर लिया है, और तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया, लेकिन हम तेल निकाल लेंगे क्योंकि यखनी में ऑलरेडी इतनी चिकनाई होती है कि हमें इतने ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्याज फ्राई करना था ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा तेल चाहिए था। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्याज निकाल लेते हैं, आखिर में दम पे लगा देंगे, तो बाकी का हम ये थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ये देखिए इतना सा, और ऑयल भी थोड़ा निकालते हैं, ठीक है। देखिए इतना ऑयल मैंने इसमें से निकाल लिया है, तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने ऑयल निकाल लिया है। अब इसी प्याज में हमने गोश्त को भूनना है, ठीक है, जो गोश्त हमने निकाला था इसमें। उसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन पिसा हुआ डाल दें और इसको भूनते हैं, फ्लेम आप फुल रख लें। चार टमाटर काट के डाल दें, 1 कप दही फेंट के डाल दें, 1 वो जो मसाला पीस के लेकर आई थी ना ये वाला, और वो जो हमने कहा था नहीं पीसना ये डाल दें, दो चाय के चम्मच लाल मिर्च, और नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि नमक हम थोड़ा एंड में चेक कर लेंगे, अगर कमी बेशी हुई तो हम उसमें डाल सकते हैं दम में ना, दम से पहले। तो हरी मिर्च एंड से पा दूँ? अच्छा, ये है आलू बुखारा, कम से कम 20-25 दाने आलू बुखारे के ले लें, और किसी हाँ थोड़ा सा नपोन लेने हैं। अच्छी तरह बुन जाए तो इसमें यखनी डाल दें, इसमें ऐसी चिकनाई वाली, यकीन करें यखनी है ना, चंगा कीता मैं ऑयल काट लिया है ना उसमें, मैं छोटा छोटा चूरा चूरा बूटे पा दूँ, पता नहीं कुछ नहीं होता, चोला जी आ रही है ना, खैर है, उबाल आना ना, चावल पाऊँगी, चावल ने 1 किलो प्यो के रखे देने बासमती, पानी को निके निके उबाल आ रहे हैं, जितनी गैस है उन्नी उबाल आएंगे तो इसमें हमने चावल डाल देने, ना ठीक है बहुत ही, फिर लगता उस मेरे कैमरा बंद नहीं किया है, है कि क्या नहीं थी, मैं तेरे को भूख पच रही है, पानी इतना ठीक है तो वो कैमरे जान देते ही, तो वह तेरा कुछ पता नहीं चलता किस टाइम कैमरा जो है ना, बड़ी शरारती नहीं होगी तू, यकीन कर वाकई नहीं पता चलेगा, तू मतलब मजा लेना चाह रही है कैमरे ऑन च, मैं देखा ठीक की कहंदी है अली, वो स्पेशल बना ना प्याज साइड पे लगा है, हां इधर साइड पे मैंने नजर आ रहा है ना, तन्नी नजर आ रहा है।
हाँ उबाल आना फिर मैं थोड़ा देर और पकानी है। ये जब इतना पानी रह जाए ना तो इसको दम देना। मैंने तवा नीचे रख लिया है और इस इतने पानी में हमने दम से पहले जो है ना हरी मिर्चें कुछ ऐसी हैं साबुत हैं कुछ मैंने काटी हैं। ठीक है ठीके? जो शुरू में फ्राई किया हुआ प्याज निकाला था ये वो है। असल में ये पुलाव प्लस बिरयानी प्लस आलिया की रेसिपी प्लस उज़्मा की सोच प्लस बड़ा कुछ प्लस प्लस करके ना मैंने थोड़ा सा करिए फूड कलर बस इतना जरदा रंग डाला मैंने प्लस पुलाव प्लस बिरयानी प्लस तो अब इसको दम दे देते हैं तकरीबन 15 मिनट का। तो मैं मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पुलाव बिरयानी पकी है तो ठीक है अब हम इसको की करम है इसको ना हम मिक्स करते हैं। माशाल्लाह ये देखें खुशबू सोंग उज़्मा खुशबू सोंग। अब मैं इसको ना प्लेट में निकालती हूँ। ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़्मा खुशबू बस सोंग के दस्तू माशाल्लाह। जो लोग ब्रेक देख रहे हैं ना वीडियो उन्होंने सिर्फ मैं इन्ना दस देना कि अपने घर का एड्रेस दसो तो पुलाव थोड़े घर पहुँच जाएगा फिर तुम कहोगे कि वाकई कोई पुलाव बने। माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कैसा बने माशाल्लाह। बस की कह सकते हैं गरमा गरम लंच टाइम हो रहा है। ऐ जी हड्डियां ना मैं हटा देनी होनी चंगा करनी है ना। हाँ है हटा दे गोशा थी माशाल्लाह एड्डा सोना गलिया के वो वक हो गई है वक हो गई है। देखो कितने जबरदस्त चावल है माशाल्लाह। ऐनल तो लगी थी उन्होंने नहीं मिटा सकती। ठीक है नानल पंजाबी हाँ नानल पंजाबी बोल के अल्लाह हाफिज़ करा। ठीक है मैं ना 2 किलो तो ज़्यादा सी वैसे गोशत थे मैं तो 2 किलो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता हड्डी का वजन भी मैं पा के तो मैं गिने काउंट किया वजन किया तो 2.25 किलो रहते तुम्हें पता हड्ड किडे किडे वे ने तो जे नहीं यकीन आता तो मैं तुम चुके दस दिनी हड्ड तो इसलिए मैं ना 2 किलो कहा कि हड्डी का हूँ मैं की तुम दसा तो 2 किलो गोश्त से और उस तो इलावा फिर माशाला मैं गलाना रहता लसन सिर्फ पा के कुछ नहीं पाया मैं बिच उस तो बाद लसन पा के जो मैं गलाया ना जो गल गया ना गोश्त वख किता यखनी तो गोट बोटी कती है वख तो फिर उन्होंने पकाया तड़का लगा के ना प्याज का चार गंढे सब अच्छा थोड़े नज़र आ रहे पीले पीले ऐदाने ना मैं ज्यादा नहीं पाया कलर तेन पता ये फैला के नहीं पाया जिस किसी केवड़ा वाटर च होंगे ना उस तरह नहीं पाया बस वैसे ही हल्का जहा पाया से थोड़े दाने दाने सोने लगन गए। ऐ देखो ना ए दाना पीला अभी बस मैं क्या चल खूबसूरती आएगी तो फिर उस तो बाद मैं माशाल्लाह मसाला जरा बनाया ना वो हो ट्राई जरूर करना कि जरा मैं मसाला बनाया मैं एवं नहीं बनाया मसाला यकीन करो तुम कहोगे कि वाकई मसाला की बाजार का मसाला लेना चला था बिच सौंफ जीरा तो बड़ा कुछ पा के ना ऐ वो वड्डी इलायची नहीं होती वड्डी इलायची वो दी तार है अच्छा तो फिर बूटियाँ तो रखा अच्छा फिर उस तो बाद ना सारा मसाला मैं जरा बना के तुम मैं दस ना कि पीस के असल टेस्ट ही होता फिर मैं पाया बिच आलू बुखारा माशाल्लाह तो फिर ट्राई करना तो बनता है ना फिर दसो फिर की कहते हो कर रहे हो ना ट्राई मेरी तरफ तो बूटियां रख की करा मैं सारा लुद्ध का पतीला चलो जी देखो माशाल्लाह और देखो ठीक है थोड़ा सा सोनी वास्ते ना थोड़ा सारा धनिया पा दें एवं बस तस्वीर जरा सुठी आ जाएगी तो टमाटर थोड़ा साइड तक रख दें चलो जी कितना खूबसूरत सजाया ने माशाल्लाह। तो ट्राई करके मैं दसना तुम रेसिपी कैसी लगी आखिर च मैं दम देंदे हुए जो किया प्याज पाता से हरिया मिर्चा पाती सन उ हरिया मिर्चा कितनी है ना ढेर लगा उ ना कितने चली गए वो पे एक पासे
कैसा लग रहा है? अच्छा कितनी हरी मिर्च? हाँ हरी है। ये क्या बूटी? ठीक है, ट्राई करके मन दसना तुम रेसिपी कैसी लगी। अपनी दवा जरूर याद रखना। ओके लाफीज उजमा, टैग कर दे। और मेरा दिल पता की कर सी कीन को तुम खा के भी दसा। मजे का पुलाओ है।